रामदेव जी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि वह गाय का मूत जो बेच रहे हैं ना, ये नहीं समझें कि उसके गाय का मूत सब पीता है और सबकी बुद्धि उसी तरह से हो गई है जानवर की मूत पीने वाली बुद्धि हो गई है। और यह जो गाय का मूत पिलाते पिलाते जो शहद में वो मिलावट करने लगे, वह भी देश की जनता ने देख लिया है। यह पूरी तरह से फर्जी आदमी है। इसका आप देखिए, दो वीडियो वायरल हुआ था, एक में कह रहा है कि जींस जो है वेस्टर्न पहनावा है, हम लोगों का पहनावा नहीं है, खुद ही जींस बेच रहा है। इतना फर्जी आदमी अपने बिजनेस को योग के नाम पर चला रहा है, सरकार की दलाली करता है, चमचागिरी करता है, भड़वागिरी करता है और देश और किसानों को कहता है ना समझ। इतना बेशर्म आदमी इसी देश में रह सकता है? ये बेशर्म लोग हैं, पता नहीं यह क्या खाते हैं। हमें लगता है कि यह लोग गोबर खाते हैं। अगर ये अनाज खाते तो किसानों के खिलाफ यह बिल या कानून लेकर ये नहीं आते। यह गोबर खाने वाले लोग हैं, इसलिए इनका यह रवैया है। ये देखिए, इस देश में अभी जो सरकार है ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक सरकार है और इस सरकार को जाहिल लोग चला रहे हैं, जाहिल गवार मूर्ख लोग चला रहे हैं और इस सरकार ने इस देश के लोगों को अपनी तरह मूर्ख और जाहिल समझ रखा है। शायद तभी वह राज भी कर रहे हैं। यह हिंदू मुस्लिम एंगल तो खोज नहीं पाए, खालिस्तानी एंगल खोज नहीं पाए, अब इनको लगता है थका दो थका दो। अरे बेवकूफ, ये अडानी अंबानी के गुलामों, चमचों, दलालों, यह समझ लो यही इस देश का अन्नदाता है। अब समय आ गया है, किसानों ने जो यह देश में इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, एक बात तो तय है, अब सरकार के लोगों को दौरा दौरा कर जनता पीटेगी और मीडिया को भी इसके लिए अब तैयार रहना चाहिए और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, इस मोदी सरकार से ज्यादा खतरनाक अभी इस देश की मीडिया है। इस देश की मीडिया जनता के खिलाफ है। आप देख लीजिए कि किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से इस देश में जितने भी चल रहे आंदोलन हैं, उन आंदोलन को बंद कर दिया गया या रोक दिया गया। उसके पीछे सरकार की यह साजिश काम करती है कि हर जो प्रोटेस्ट होता है उसमें सरकार हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल लेती है और उस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल देकर रफा दफा कर देती है। जिस तरह से CA और NRC के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, सरकार ने उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल दिया और वो सारा मामला ही रफा दफा हो गया। लेकिन इस आंदोलन के साथ वह बात नहीं रही। इस आंदोलन को भी सरकार ने खालिस्तानी, आतंकवादी, अरबन, नक्सली, पता नहीं क्या क्या। सरकार कह रही है कि आप लोग गुमराह कर रहे हो किसानों को। अगर सरकार को, हम लोग जैसे जो इस सरकार की खिलाफत करने वाले लोग हैं, अगर हम लोग गुमराह कर पाते तब तक तो इस देश से भाजपा की सरकार चली जाती। गुमराह हम लोग नहीं कर रहे हैं, गुमराह इस देश की सरकार कर रही है। और इस देश में, शायद देश का, पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के पक्ष में कोई कानून बना होगा और जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आपके लिए बड़ा अच्छा कानून बनाए, बड़ा अच्छा कानून बनाए, और वो कह रहे हैं कि नहीं भैया, आपका कानून नहीं चाहिए, आपका हाथ जोड़ते हैं। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की नीयत ही जो है संदिग्ध है। इस सरकार ने जब कहा कि जो है युवाओं का हम भला करेंगे, युवाओं के माथे पर हाथ रख दिया कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 6 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST से जो है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। आप देखिए क्या हाल हुआ, माइनस में GDP जा चुकी है इस देश की। और इस देश की सरकार ने जहाँ जहाँ भी हाथ डाला वहाँ बंटा धार कर दिया। अब इस देश की सरकार ने कहा था कि नोटबंदी लागू होगी, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी, हमारे 40-42 जवान पुलवामा में शहीद हो गए। अब ये किसानों का भला करना चाहते हैं। किसानों ने देख लिया है, ये जहाँ जहाँ छूते हैं वहाँ वहाँ बंटा धार हो जाता है। इसलिए किसानों ने कह दिया मोदी जी से, सरकार बहादुर, अब हमें माफ करें, कोरोना का भय दिखाएंगे। भाई इतने लोग जुट रहे हैं, कोरोना हो जाएगा। यह सरकार नौटंकी वाली सरकार है, यह सरकार जनता के खिलाफ है। सर, क्योंकि आप देखिए कि आज तक किसी दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा कि जो है मीडिया विपक्ष से सवाल करता है, सरकार से पूछता है कि आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, और विपक्ष से सवाल पूछता है कि आपकी यह योजना कैसे काम करती है, या दम प्रधानमंत्री से पत्रकार पूछ रहे हैं आम कैसे खाते हैं। बताइए कितनी बेशर्म मीडिया है सर।
जो हेमा मालिनी है जब चुनाव आते हैं गेहूँ काटने चली जाती हैं, सन्नी देओल हैं वो भी कहते हैं हम भी किसान हैं, धर्मेंद्र ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है। इन लोगों की तस्वीर भी है धान काटते हुए गेहूँ काटते हुए, असली किसान हैं ये। असली किसान असल में इस धरना में आए नहीं हैं, जनता इंतजार कर रही है कि असली किसान आए जरा जनता के बीच, तब पता चलेगा। ये जो चुनाव के समय फोटो सेशन कराते हैं ना, इन असली किसानों का इंतजार जनता को है अभी। सर जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो उसमें जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था करंट दीजिए इनको, फलाना ठिकाना दीजिए, लेकिन यहाँ पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे इस बार। देखिए यह जो पूरा नाटक है इस सरकार का वह स्पष्ट है, उनकी नीति स्पष्ट है, उनका जो आइडिया है वो ये है कि इनको थका दो, बस थका दो किसी तरह, और थक जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। यह सरकार हैवानों की सरकार है, और इस सरकार का जो पूरा का पूरा रवैया है, आप इस सरकार का हर फैसला देख लीजिए, हर फैसला जो है जनता के खिलाफ है। जब ये कहते हैं कि गरीबों का भला करेंगे तो गरीबों का बंटाधार हो जाता है और देश में जो है गरीबी रेखा इतनी नीचे चली जाती है कि दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। जब ये कहते हैं कि युवाओं का भला करेंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे तो 6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाता है। जब यह सरकार GST लागू करती है, कहती है कि जो है उससे व्यापार का भला होगा, व्यापारियों का भला होगा, तो जो है इस देश का व्यापार का बंटाधार हो जाता है और GST और इस देश का जो है GDP है माइनस में चला जाता। आज तक आज़ाद भारत में ऐसा नहीं हुआ था। तो इस देश ने अब किसानों को कहा है कि अब आपका भला कर रहे हैं, और ये भला ये कर रहे हैं कि सड़क पर हमारे अन्नदाताओं को आना पड़ेगा। और जो स्थिति अभी है सरकार की, जो स्थिति है जिस तरह उन्होंने टाल दिया था जो है CA NRC वाले आंदोलन को, शाहीन बाग के आंदोलन को जिस तरह से टाल दिया था, उसी तरह से उनका रवैया इस मामले में किसानों के आंदोलन को भी टालने का है। तो लेकिन जो स्थिति है वो टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसान वाले मामले में ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर पा रहे, इसलिए वो टाल नहीं पाएंगे।